यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस तो अभी नई नई जाति वाली पॉलिटिक्स को लेकर आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव पिछले एक साल से, जब से मायावती इनएक्टिव हो गई थी, तब से अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, इन सब की बात कर रहे थे। तो क्या माने ये जो घोषणा किया अमित शाह ने, खुश हैं आप इससे कि नहीं, जो आप चाह रहे हैं वही हो रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले जवाब दूंगा परिवारवाद पे, इसके बाद आपके सवाल का। कई बार कुमार सौरभ सिंह और सिद्धार्थ यादव दोनों ने परिवारवाद पे बड़ा अटैक किया। मेरे ख्याल से आज शाम को इनकी क्लास चिराग जी लगा देंगे, क्योंकि वो परिवारवाद का बेहतरीन उदाहरण है, और फिर अपनी पार्टी के नेता पे सवाल उठा रहे, तो आज शाम को इनकी क्लास ली जाएगी। एक बार। दूसरा, बीजेपी के लिए मेरी सीधी सलाह यह है कि अगर ज्यादा परिवारवाद से दिक्कत है तो दो काम करो। अगर शादीशुदा हो, बच्चे हैं, तो पत्नी बच्चों का त्याग करके राष्ट्र सेवा और पार्टी सेवा में लग जाओ। और दूसरा, अगर माँ बाप ही है तो उनका भी त्याग करके चुपचाप राष्ट्र सेवा में लग जाओ। यहाँ पे मुफ्त का ज्ञान मत बांटा करो, ज्ञान आपसे ज्यादा हमारे पास है। अब आता हूं बैकवर्ड पॉलिटिक्स पे। 20वीं और 21वीं दो सदियां बीती हैं जिनके बारे में हम लगभग लगभग जानते हैं, उसके भौतिक कल्चर को, उसके भौगोलिक कल्चर को, और सामाजिक और राजनीतिक कल्चर को। इन दो सदियों में अगर सबसे ज्यादा घनघोर विरोधी कोई बैकवर्ड क्लास का रहा है, तो वो सौरभ यादव की पार्टी और उनकी मदरहुड जो संगठन है वो रहा है, जिसका आरएसएस और बीजेपी के इतना घोर विरोधी रहा है। इस बात की अगर आपको तख्तीश करनी हो तो आप पूरा आरएसएस का उठा के हिस्ट्री देख लीजिए और बीजेपी का उठा के देख लीजिए। एक प्रधानमंत्री बनाया बैकवर्ड के नाम पे, वो भी नकली। मैं फिर कोट करके कह रहा हूं, प्रधानमंत्री बनाया वो भी नकली, कन्वर्टेड, मतलब फॉरवर्ड से बैकवर्ड में कन्वर्ट किया हुआ, मतलब इनको रियल बैकवर्ड भी नहीं मिल पाया था। अब आता हूं दूसरी बात पे। एक इनके यहां जादू टोना कुछ, वो कैसे जादू टोना? ये है कि इनके साथ जितने भी एनडीए घटक दल में लोग हैं, चाहे वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स करने वाले हो या दलित करने वाले हो, उनके ऊपर ऐसा जादू ये करते हैं कि वहां पे वो सब बोलते ही नहीं कुछ ना। वो सामाजिक न्याय की बात बोलेंगे, ना बैकवर्ड के हक की बात बोलेंगे, ना दलितों के हक की बात बोलेंगे। उल्टे चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता जैसे लोग बैठ के कहेंगे, साहब ऐसा बीजेपी ने 57 में देखिए इतने 22-22 लड़ा दिए हैं, आप क्या वहां पे ढपली बजाने के लिए राजनीति कर रहे हैं? आप भी जाओ तेलंगाना में चुनाव लड़ो, ना कोई मना कर रखा है क्या आपको? लेकिन ये लड़ेंगे नहीं, बीजेपी के पैरोकारी करते। मुंशी हो क्या भाई? मुंशीगिरी कर रहे हो क्या बीजेपी की? कम से कम राजनीति कर रहे हो तो राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करिए, राजनीतिक बातें करिए, अपने दल की बातें करिए। इंडिया गठबंधन बना है, उसके बावजूद भी सारे दल अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपने दल की बात कर रहे हैं, अपने दल की महत्ता की बात कर रहे हैं। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है इंडिया गठबंधन का, उसके मुद्दों की बात कर रहे हैं। ना तो कोई कॉन्सेप्ट, ना कोई विजन, ना कोई तमाम सारी बातें। और ये बड़े मनोज जी टोक रहा हूं बस थोड़ा सा। आपने कहा कि इनके पास ना कोई कॉन्सेप्ट, ना कोई विजन। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच क्या क्या तूतू मैमें हुई है, और क्या नहीं कहा इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे को लेकर, ये कौन सा आपके अंदर एकता है, कौन सा विजन है? गठबंधन हमारा नहीं बन पाया, सवाल जवाब हुए, कोई खामोश गूंगा थोड़ी नहीं था ना, कांग्रेस पार्टी गूंगी थी। लेकिन जनता में क्या मैसेज जा रहा है जब अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है? ठीक है, वो हमको बोले, हमने उनको बोला, कोई उधारी नहीं रखी हमने, ना खामोशी रही, ना कोई एक दूसरे को दब के राजनीति करेगा। हम तो बात करें, गुलामगिरी क्यों कर रहा हूं? मैं एक महत्वपूर्ण बात करता हूं, अमित शाह के मुद्दे पे आता हूं। अमित शाह ने कहा कि हम तेलंगाना को बैकवर्ड मुख्यमंत्री देंगे, बड़ी अच्छी बात कही है। ठीक है, मैं ठीक है मनोज जी, जाति को लेकर महाराष्ट्र में भी एक बड़ी सियासत चल रही है, वहां पे भी मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद,